ऋषि पाणिनि अभ्यास हेतु आश्रम में सभी सामान्य छात्रों की भांति गए। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि पाणिनि एक अच्छे छात्र न होने के कारण अपने गुरु द्वारा गुरुकुल से निकाल दिए गए थे। गुरुकुल छोड़कर उन्होंने ऋषियों के एक समूह को तप के लिए जाते हुए देखा। वे भी तप के लिए उनके साथ हो लिए। तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और वहां नृत्य करने के बाद 14 बार डमरू बजाया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस श्लोक का अर्थ है कि शिव के नृत्य के अंत में उन्होंने 9 और 5 अर्थात 14 बार डमरू बजाया। उन्होंने इस शिव सूत्रों को सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए रचा। यह 14 सूत्र इस प्रकार है। ऐ उण रुल रुक ए औं ऐ औच हय वरट लण यमंग गण नम झभय घढ धश जब गढ़ दश खफ छठ थ चट तव कपै शश सर हल। यह 14 सूत्र महेश्वर सूत्राणी या शिव सूत्राणी के नाम से प्रचलित है। इन 14 सूत्रों से ऋषि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जो संस्कृत व्याकरण का आधार है। संस्कृत का निर्माण ऋषि पाणिनि ने नहीं किया था, यह भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृत व्याकरण का अच्छी तरह से संकलन और विस्तार किया।